केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया 9,775,00,000 के विकास कार्यों का शिलान्यास। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर दो दिवसीय श्योपुर जिले के दौरे के दौरान शुक्रवार की रात्रि को सवाई माधोपुर के रास्ते श्योपुर पहुंचे, जहां शिवपुरी रोड श्योपुर पर स्थित रेस्ट हाउस पर केंद्रीय मंत्री ने रात्रि विश्राम पश्चात शनिवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्योपुर जिले में जारी विकास यात्रा में पहुंचे विकास कार्यों का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री एवं सर्वप्रथम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाड़ोदा पहुंचे, जहां विकास यात्रा के माध्यम से विकास कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। तत्पश्चात बाड़ोदा से दिन के 2 बजे शिवपुर नगर के वार्ड क्रमांक 11 फक्कड़ चौराहे पहुंचे, जहां केंद्रीय कृषि कल्याण एवं क्षेत्रीय सांसद ने फक्कड़ चौराहे पर विकास यात्रा के दौरान 9,75,00,000 के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। जहां फक्कड़ चौराहे पर विकास कार्यों के शिलान्यास के पश्चात केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री तोमर अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्योपुर जिले के विजयपुर के लिए रवाना होंगे। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। रूप से विकास यात्रा का आयोजन बहुत ही ऐतिहासिक था और इस आयोजन में सभी राज्यों की पार्टी के लोग भी गए और जिला प्रशासन ने भी अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि सरकार का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य था कि किसी के आमंत्रण का प्रॉब्लम है, किसी का राशन कार्ड का प्रॉब्लम है, किसी का पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रहा है, इसी प्रकार की जो समस्याएं थी वो सारी समस्याओं का निराकरण भी इसमें हुआ है। जनता का काम भी काफ़ी हुआ है और विकास की दृष्टि से भी लोकार्पण और शिलान्यास बड़ी मात्रा में इस यात्रा के माध्यम से हुए हैं। इस यात्रा में जो कुछ हुआ है उसको सबको अगर जोड़कर देखेंगे तो मैं समझता हूँ ध्यान में आएगा कि बहुत बड़ा काम इस यात्रा के माध्यम से हुआ। सर, अटल प्रोग्रेस में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, किसान इसमें बाजारों कीमत का जमीन का 4 गुना मुआवजा मांग कर रहे हैं, सरकार 2 गुना मुआवजा कह रही है, तो एक गतिरोध बन रहा है सर। सरकार कुछ नहीं कह रही है, सरकार वही कर सकती है जो प्रावधान है। किसान 4 गुना मुआवजा मांग रहे हैं, आज भी रखा था किसानों ने मंत्री जी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना, सरकार जो नियम के अनुसार होगी, सरकार नियम और कानून से चलती है, मेरी वर्जी थोड़ी चलती है।